पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन। मुजफ्फरपुर अखपुड़वा कांड का पीएमओ ने लिया संज्ञान। केरल यूपी से दिल दहला देने वाली खबरें कौन सी हैं और किन राज्यों पर मंडरा रहा है चक्रवात तूफान जवाद का खतरा। देश और राज्यों की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन्फिनिटी फोरम फिनटेक पर एक विचारशील लीडरशिप प्लेटफॉर्म है। मोदी ने कल ट्वीट किया, इन्फिनिटी मंच का एक दिलचस्प विषय है। कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, इसमें 70 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर के अखपुड़वा कांड की गूंज पीएम तक पहुंच गई है। पीएमओ ने कल बिहार सरकार के अफसर रविंद्रनाथ चौधरी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण की शिकायत पर अब तक 15 लोगों की आंख निकाली जा चुकी है। इस बीच कल हॉस्पिटल में जाँच के लिए पहुँची राज्य स्तरीय टीम को देख कर सारे कर्मचारी ताला बंद कर भाग निकले। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पीवी संदीप कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कल रात 8 बजे की है। पार्टी के राज्य सचिव ने बताया कि थिरुवल्ला में अज्ञात हमलावरों ने संदीप कुमार की चाकू मारकर हत्या की है। यूपी के कासगंज में एक 9वीं क्लास की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी सहेली के घर से बरामद हुआ है। उसे गोली लगी हुई है। पुलिस ने मौके से लाइसेंस से राइफल भी बरामद की है। सहेली और उसके परिजन घर से लापता है। छात्रा के भाई ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आगरा के कस्बा मिढाकुर में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात के बाद बच्ची का शव सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने बताया, रात को उनके चाचा के घर बारात आई थी जिसको लेकर सभी शादी में व्यस्त थे। रात 11 बजे तक बच्ची को डीजे पर डांस करते देखा गया था। इसके बाद से वह लापता थी। आर्यन खान केस में एनसीबी का गवाह किरण गोसावी अब पालघर पुलिस की कस्टडी में पहुंच गया है। धोखाधड़ी के केस में पालघर की स्थानीय अदालत ने गोसावी को 7 दिसंबर तक केलवे पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। गोसावी पर पालघर के उत्कर्ष तरे और आदर्श किनी को दिसंबर 2018 में मलेशिया में नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी का आरोप है। प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बोर्ड से संबंधित परीक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार ही चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार से प्रदूषण के बाद भी स्कूल खोलने पर सवाल पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि जब बड़ों को घर से काम करने की इजाजत है तो बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला जवाद चक्रवात कल सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में आज से ही भारी बारिश की चेतावनी दी है। जवाद के खतरे को देखते हुए कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कल एक हाई लेवल बैठक की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है, लेकिन इस मैच पर बेमौसम बारिश का साया भी मंडरा रहा है। बारिश के बाद वानखेड़े की पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था। आराम के बाद इस टेस्ट मैच से विराट कोहली भी टीम की कमान संभालने जा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।